शिनचैन देखना तो सब पसंद करते हैं, पर इसको टीवी पे कैसा लाया गया ये बात तो कोई नहीं जानता। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जापान में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसके पिता का नाम था हिरोशी और उसकी माता का नाम था मिसाई और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था हिमावारी और उनके पास एक बेटा भी था जिसका नाम था शिनचैन और हाँ दोस्तों उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम था शिरू। दोस्तों एक दिन उनके फैमिली के लिए बहुत ही अलग था। उसके पापा को कुछ काम आ गया और वो शहर से बाहर चले गए और दोस्तों मिसाई को लगा कि घर पर कुछ सामान खत्म हो गया है और दोस्तों बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। दोस्तों वो तीनों शॉप पर थे और दोस्तों मिसाई इतनी व्यस्त थी शॉपिंग में कि शिनचैन की नज़र उसकी बहन पर पड़ी और दोस्तों शिनचैन ने देखा कि उसकी बहन बीचों बीच सड़क पर जा पहुंची है और सामने से बहुत तेजी के ट्रक आ रहा है। दोस्तों शिनचैन को ये लगता है कि मैं अपनी बहन को बचा लूंगा और दोस्तों शिनचैन और उसकी बहन दोनों ट्रक के नीचे आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये कहानी फेमस कार्टून डायरेक्टर ने पढ़ी और ये कहानी सुनकर वो इतना भावुक हुए कि उन्होंने ये सोचा कि मैं शिनचैन को पूरी दुनिया के आगे लेके आऊंगा। दोस्तों आपको कैसा लगता है शिनचैन मुझे यार कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताएं।